अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये मेरी निकल तो बाल बाल सही कर, बाल थोड़े बहुत निकल गए। तो जिस डब्बे में हम बैठे हैं ये एक बिजनेस क्लास है, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब पूरा दिखाता भी हूँ और काफ़ी ठंडा लग रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, तो हमारा कराची का सफ़र हो गया शुरू और अभी अभी वो गुजरा है क्या, साहिबाल। पहला स्टेशन ओकाड़ा के बाद साहिबाल ही आया था। आगे खाने वाल जो जो भी आता जाएगा तो आपके साथ शेयर करते जाएंगे और हमारा सफर कैसा रहा। वाइट नहीं है, रेड है, इसको भी याद आ गया। और जोया पता नहीं क्या कर रही, क्या कर रही है जोया। जोया बहुत खुश है अपनी दादी के पास। बहुत अम्मी को उसने मिस किया बहुत ज्यादा, अम्मी ने भी बहुत किया, अम्मी ने भी तो बहुत ही किया। बच्चे नहीं लेके जा रहे, तो चलो ऐसे ही हम अपना सफर आपको दिखाते रहेंगे जी। हाँ, तो शुक्र है खुदा का, अल्लाह खैर करे अपनी, हमारे ऊपर भी, हमारे भी सफर में हिफाजत करे और जो जो भी मुश्किल में है उसकी मुश्किल आसान करे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं सफर में साथ साथ। हम लोगों ने महविश और सलमान का गांव क्रॉस कर लिया, कौन सा, मियाँ चन्नू। तो अंजलि को यहाँ पे ठंड लगने लग गई है तो ये मियाँ चन्नू क्रॉस कर लिया है। इंशाल्लाह मुल्तान से फीडर मिल जाएगा, उम्मीद तो है। हैं हाँ, ज़्यादा देर गाड़ी रुकी, सिर्फ 2 मिनट रुकती है, 2 मिनट, नहीं तो यहाँ से भी मिल जाता। 5 मिनट भी रुकती तो मैं ले आता, लेकिन रुकती 2 मिनट है। तो बस मियाँ चन्नू क्रॉस कर लिया, सफ़र अच्छा जा रहा है। बाकी थोड़ी सी परेशानी हो गई, फिलहाल तो सो गई है जोया, ये तो हल्की फुल्की चीज़ें खा लेता है। चलो खुदा क्या करेगा, टेंशन हमारे तीनों सो चुके हैं, ठीक है। अंशुल ऊपर सो रही है और मुल्तान आ गया। अभी मैं घूम रहा हूँ मुल्तान स्टेशन। होए होए, पानी की बोतल लीडर हमें मिल गया, नया फिगर लेके आया हूँ अभी, ठीक है। और ये शाम के फिगर का निप्पल, और जोया अभी 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 उठाई है, उठते ही नीचे घुस गई है, बोलती है दुद्दू, बोलती है दुद्दू। और बच्चे सारे सो रहे हैं और बिट्टी फटाफट दूध बना रही है और ठंड लगने लग गई है इसी से, है ना। गर्म हो रही है, नहीं नॉर्मल है। 6 बजे हैं, 6 बजे मुल्तान के स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई है, पानी भर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम मिल गया, नहीं तो ये तो ही वो नहीं करते। तो यहाँ से फीडर वगैरह ले लिए मैंने, शुक्र है। हम यहाँ पे खा रहे हैं खाना, मैंने ये फिनिश कर लिया है, ठीक है। और बिट्टी खा रही है, अम्मी ने चावल बहुत अच्छे बनाए थे, अम्मी ने सिमोनिया ने बनाए थे, ठीक है। और भी सालन भी है, रोटियाँ भी हैं, वो हम खाएँगे रात को 12 बजे, ठीक है बिट्टी, ठीक है। अगर मैं उठ गया तो अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, मैं लगाऊँ सोने, ठीक है, ऊपर बर्थ पे चढ़ के है। बिल्कुल ये जो है ना एसी वाला, मतलब कि ये बिजनेस क्लास है, बिल्कुल वही, लेकिन बस एसी लगा हुआ है और इस साइड पे दरवाज़ा लगा हुआ है, सेपरेट। हाँ सेपरेट हो जाता है थोड़ा, ठीक है। हम नारी इधर हैं, 3 सीटें और 4th सीट है, हमारे साथ एक अंकल भी बैठे हैं हमें, ठीक है। तो चलो खाना वाना खाते हैं तो फिर मिलते हैं, सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है फिलहाल तो। और जोया उठी हुई है, ये कब से सो रही थी, उठ गई है अभी, जो मुझे थोड़ी तो सफ़र काफ़ी अच्छा जा रहा है तकरीबन, है ना। तो यहाँ पे रात के 12 बज चुके हैं, अंजलि सो गई थी टाइम से और अंजलि बुग्गा मेरा उठ गया, और जोया जो है, जोया और सैमी अपनी मम्मा को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, सोने नहीं दे रहे। सोने दो मम्मा को, सोने सो जा सैमी, ये दोनों नहीं सोने दे रहे मम्मा को। सो जाओ आप, सुबह 5 बज गए हैं, ठीक है। और हम पहुंच गए हैं तकरीबन वापशा, वापशा 5:30 बजे, 5 बजे वहाँ पे पीएंगे चाय, ठीक है। अरे हम लोगों ने चाय ले ली, ठीक है, और इस बच्चे को बड़ा शौक है। हाँ जी, तो फाइनली हम फैसला हैदराबाद पहुँच गए, कहाँ पे, हैदराबाद पहुँच गए, हैदराबाद
बाद से मेरे ख्याल में गाड़ी चली है और रुपी वाला था। अभी हमारे फैन आ गए तो बिट्टी गम रहे थे रबी फुआड़ा। मैंने बोला कौन रबी फुआड़ा? क्या कह रहे थे बिट्टी? मेरी आवाज गला बैठ गया, मैं कुछ बोल नहीं सकती। अभी हम लोगों ने किया है हैदराबाद का क्रॉस, तो बिट्टी के साथ सीन हो गया है। बिट्टी जी हाँ। बिट्टी को एक बंदा आके क्या बोल रहा था? अभी बाड़ा अभी बाड़ा तुम ही हो, अभी बाड़ा तुम ही हो। जहाँ बोलता ये तो लेडीज है एक। हाँ बोलता है कि ये लेडीज है, बोलता नहीं अभी बाड़ा जहाँ परेशान नहीं कहता यही है अभी बाड़ा। मेरी वाइफ ही है कोई और मैंने है। उठ के शक्ल देखी कि बिट्टी ही है कोई और है। मैंने बोला वो ऊपर से ऊपर सो रहा होगा। ऊपर हमारे साथ अंकल था ना एक मजदूर, तो सही सीन हो गया। चलो इधर क्रॉस किया, अभी पोटरी पहुंचेंगे हम। वीडियो बना के लेके अभी बाड़ा की कराची के काफी करीब आ गए हैं। तकरीबन 200-150 किलोमीटर रह गया। ठीक है, ये पंखे की निशानी है, एक रुक गया, वो ये बिजली बनाते हैं पंखे, है ना बेटी जी? आपको कैसे पता? क्योंकि आपने नाम लिया अभी। अच्छा, तो बस पहुँचने वाले हैं। तो ये सारा सामान, इसका बैग का कुंडा टूट गया था, ठीक है, मसला हो गया, और सारा बाकी सामान हम लोगों ने समेट के रख लिया। हाँ बेटी जी हाँ। अपने घर पहुंच के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी घर पे पहुंचेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे सही सलामत, और अभी तो ट्रेन में ही है, बस पहुंचने वाले हैं। कराची शुरू हो गया है, कराची शुरू हो गया, बस स्टेशन पे पहुंचेगी। हाँ स्मेल आ रही है तो यहाँ से आती होगी, या बच्चों ने कुछ काम दिखा दिया होगा। चलो देखते हैं। देखो तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, अपने शहर कराची। टैक्सी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस जा रहे हैं रास्ते में। और यहाँ का मौसम काफी प्यारा है, ठंडा है, ठंडा मौसम है। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुँच गए, और घर पे आते ही लेट गए। हाँ बैठ के लेट, वैसे मतलब थकन तो इतनी नहीं हुई ना इस बार, है ना बेटी? मुझे तो इसको क्या हो रही है, सो के इसने गुजारा। मैं भी सोया, मतलब मैं रात को पहले 8 बजे सोया, फिर 12 बजे उठा, फिर सुबह, ठीक है, फिर 2 बजे सोया, तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठा, 5 बजे फिर मैं उठा सोया, कितने बजे 6 बजे सोया, तो फिर मैं 8 बजे उठा सुबह, ठीक है। तो हम फाइनली घर पे पहुंच गए, तो चाहते खिलौने खिला के बैठ गए अपने सैंडविच। हाँ सब लोग अम्मी के साथ मिलके बातें शातें करने लग गए, खेलने लग गए। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।